नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। देश और प्रदेश में क्या है कोरोना के हाल और क्या है कोरोना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, आइए जानते हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,636 नए संक्रमित पाए गए। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या भी 1,74,399 रही। तो वहीं अगर मरने वालों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कुल 2,427 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ देश में अब तक पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 2,89,09,975 पर पहुंच गई है। इसी के साथ देश में अब तक कुल 3,49,186 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है, यानी इतने लोगों ने अब तक देश में कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। वहीं लगातार आंकड़े घट रहे हैं, वहीं लगातार केस घट रहे हैं, जिसके चलते अब देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है और इस वक्त देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,01,609 पर पहुंच गई है। इसी के साथ वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में कुल 23,27,86,482 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कुल 654 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं 1,483 लोग ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 50 से कम रही और पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कुल 48 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। वहीं अगर हरियाणा में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी हरियाणा में घट रही है और इस वक्त प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,097 है। जी हाँ, इसके साथ ही रिकवरी दर लगातार अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई है कि जल्द ही हरियाणा से कोरोना कहीं ना कहीं चला जाएगा, कोरोना फ्री हरियाणा भी जल्द से जल्द हो जाएगा। जी हाँ, इस वक्त हरियाणा में रिकवरी दर बढ़कर 97.66% तो वहीं संक्रमण दर घटकर 8.23% पर पहुँच गई है। इसी के साथ कल हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और संभवतः जिस प्रकार की संभावना भी जताई जा रही थी, लॉकडाउन को हरियाणा में एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं। बाजार खोलने का समय चेंज किया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके लिए लॉकडाउन का जो असर है वो कुछ हद तक कम हो पाएगा। लेकिन इसी बीच आप सबसे मेरी यही अपील कि आप कृपया लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, लॉकडाउन का पूरे तरीके से फॉलो करें और घर से बाहर केवल तभी निकले जब काफी ज्यादा जरूरी काम हो। साथ ही मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कंचन टीवी।